तो वेलकम बैक टू माय चैनल एम आर के एक्सप्लेनर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग जो है व्हाट्सएप, पीमो, टेलीग्राम या जो है और सारे एप्लीकेशन जो है या जो सोशल मीडिया उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं और अकाउंट कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैं जो है आज जो यूज़ करूँगा वो सैफियोम यूज़ करूँगा। इसमें जितने भी प्रॉब्लम आते हैं वो फिक्स करके दिखाऊँगा कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आता है और कैसे उसको फिक्स करना है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे उसको निकालना है। तो उसके लिए एक VPN की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग उसको जाकर डाउनलोड कर लेना। और लिंक जो है इन दोनों एप्लीकेशन का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग जाके उसको देख के डाउनलोड कर लेना। तो अभी मैं जो है एक अकाउंट बना रहा हूँ बगैर VPN के, जैसे मैंने खोला है और मैं दिखाऊँगा इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो आपको यहाँ पे कोई यूनिक सा यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड को स्ट्रांग डालना है जिसमें आपका कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो और जो है सिंबल वगैरह हो। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको स्टार्ट बिगिन से को क्लिक करने से पहले जब तक आपका एड ना आ जाए तब तक आपको नहीं क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने पहले क्लिक कर दिया यहाँ पे तो मेरा अकाउंट नहीं बनेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको क्लियर डेटा कर देता हूँ। और जो है बगैर VPN के भी प्रॉब्लम आता है, तो मैं क्या करूँगा टर्बो VPN लाइट ये जो है मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे। और जो है यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम जाके जर्मनी का सर्वर यहाँ से कर लेंगे कनेक्ट। तो ये मेरा जो है VPN कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बिगिन टू स्टार्ट पे क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, पहले वेट कर लेना है जब तक कि कोई एडवर्टीजमेंट जो है आपको शो नहीं करता। जब तक एड शो नहीं करता है तब तक आपको क्लिक नहीं करना है, और जब जो है एड शो करते हैं उसके बाद आपको क्लिक करना है। तो मैं जो है अभी जो है कोई दूसरा अकाउंट डाल देता हूँ, आप लोग इसको चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। मैं टेम्पोररी के लिए इसको बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। और इसमें मैं जो है तकरीबन अभी जो ये एप्लीकेशन जो अपडेट हुआ है इसमें 3 कंट्री का नंबर देता है, लातविया का और यूक्रेन का, प्लस जो है आपको अज़रबैजान का नंबर मिलेगा। तो जैसे कि मैंने देखा, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब तक ऐड नहीं शो किया मैंने क्लिक नहीं किया। यहाँ पे हो सकता है आपका कुछ टाइम लग सकता है, कभी कभी 5 मिनट भी लग सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर जो है ट्राई अगेन पे क्लिक का ऑप्शन आता है तो ये आपका अकाउंट बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने क्लिक किया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूँगा क्योंकि जो है मैं जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी 3-4 से 5 मिनट तक का इस पर टाइम लग सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा जो है अभी चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ यहाँ पे। और अगर ट्राई अगेन का ऑप्शन आपको आता है, देख सकते हैं जैसे मेरे पास आया, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे ट्राई अगेन का कह रहा है 2 बार 3 बार, मैं ट्राई अगेन पे करता हूँ क्लिक। तो देखें ये जो है हमारा बनके तैयार हो गया यहाँ पे। और जो है यहाँ पे जो है स्टार्ट फ्री पे करना है आपको क्लिक, और जो परमिशन आपको मांग रहा है आपको सारे परमिशन को अलाउ करते हैं। जैसे शुरू में आपको जो है डिस्प्ले ओवर ऐप का परमिशन मांगता है उसको भी अलाउ कर देना है। तो देख सकते हैं हमें जो है अज़रबैजान का नंबर यहाँ पे मिल गया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दूसरा नंबर लेने के लिए। तो अकाउंट कंट्रोल पे जाके साइन अप पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे आपको 3 नंबर एक साथ में दे सकता है, तो मैं फिर से यहाँ पे जो है कोई यूनिक सा यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ, आप लोग वही ट्राई करें जो आपको लगे कि जो है इस यूज़र नेम से कोई दूसरे ने अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है। मतलब कोई यूनिक से लगना चाहिए जो है, ये नहीं कि जो फेमस होता है वो डाले, नहीं तो क्या होता है उसमें नंबर आपको नहीं मिलता है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने ये जो है यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया, इसमें मैं थोड़ा एडिट वगैरह कर देता हूँ। तो जैसा मैं शुरू में आर एड कर दिया या कुछ और एड कर देता हूँ जहाँ से ऐसा लगे कि जो है बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। और फिर से मैं स्टार्ट टू बिगिन पे करता हूँ क्लिक। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी 5 मिनट तक लग सकता है या जो है कभी कभी पहले भी बन सकता है, इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन जो है अकाउंट बनेगा आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, टाइम देना होगा। और एक नहीं बल्कि आप 3-3 अकाउंट एक ही एप्लीकेशन में बना सकते हैं और 3 कंट्री का नंबर ले सकते हैं। तो ये टाइमर चालू है, देख सकते हैं मेरा दूसरा अकाउंट भी बन गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टिंग का ऊपर दिखा रहा है क्योंकि VPN कनेक्ट किया हुआ हूँ। तो ये जो है कुछ सेकंड में चला जाएगा। वैसे मेरा अकाउंट जो है बन गया, देख सकते हैं दोस्तों ये जो है लातविया का नंबर दे दिया है मुझे, लेकिन जो है मैं अभी जाके यहाँ पे अज़रबैजान का जो नंबर है उससे मैं व्हाट्सअप बनाऊँगा
और अगर आप लोग जो है यूके के या यूएसए के नंबर से व्हाट्सअप बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ जो कि अभी रिसेंटली चल रहा है, काम कर रहा है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। उसमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है, आप बहुत आसानी के साथ यूके और यूएसए का नंबर लेके और कनाडा का भी नंबर ले सकते हैं वहाँ पे और जो है बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपना व्हाट्सअप खोलता हूँ, दिखा देता हूँ, अकाउंट पे जाता हूँ, देख सकते हैं हमारे पास ये यूएसए का नंबर है, इससे मैंने व्हाट्सअप बनाया था। तो मैं इसको क्लियर डेटा कर देता हूँ और उसके बाद जाऊँगा फिर से मैं व्हाट्सअप पे और वही जो मैंने अभी नंबर लिया है अज़रबैजान का उसी से मैं करूँगा साइनअप, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग आराम के साथ जो है व्हाट्सअप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी जो सेफ यू में है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि कभी कभी जो है टाइम लगता है, लेकिन नंबर मिलता है, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। और अगर आसानी के साथ बनाना चाहते हैं तो यूके यूएस के नंबर से आसानी से बना सकते हैं, उसमें इतना ज़्यादा झंझट वगैरह नहीं होता है। तो नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर जो है अवेलेबल है, आप जो है जो भी परमिशन मांग रहे हैं आपको अलाउ कर देना है। और दूसरी चीज़ में अच्छी बात ये है कि आपको जो है एसएमएस प्रोवाइड कर देता है, ओटीपी जो है एसएमएस के थ्रू से प्रोवाइड कर देता है। तो अभी हम जाते हैं मैसेज में, अपने चेक करते हैं कॉल में कि नहीं आया, मैसेज में देख सकते हैं हमारे पास मैसेज आ गया है, ओटीपी आ गया है। हम यहाँ से जाके इसको डाल देते हैं और हमारा व्हाट्सएप यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि अगर जो है आप लोग इस नंबर को हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 3 लाइन ऊपर पे जाके वहाँ से व्हाट्सएप में अकाउंट पे जाके प्राइवेसी में जाके आपको 2-स्टेप वेरीफिकेशन आपको कर देना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये किसी ने नंबर को यूज़ किया था लेकिन अभी जो है अभी मेरे पास आ गया। लेकिन आप लोग अगर हमेशा के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो 2-स्टेप को कर देना ऑन, फिर जो है किसी को भी ये नंबर नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो व्हाट्सएप नहीं बना सकता। तो इसी तरह से आप लोग जो है ईमो के भी बना सकते हैं और जो है टेलीग्राम पे भी साइनअप कर सकते हैं या और कहीं पर भी जो है नंबर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर आप उसको यूज़ करके जो है बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मैं थोड़ा सा चेक करा देता हूँ आपको यहाँ पे भी ईमो पे भी जो अज़रबैजान का मैं यहाँ से टाइप करता हूँ। और अगर अज़रबैजान के नंबर से कोई प्रॉब्लम हो रहा है ईमो पे या व्हाट्सएप पे तो आप लतविया के नंबर से भी बना सकते हैं। मतलब जो है आपको 2-3 ऑप्शन मिलता है तो कोई ना कोई तो आपका काम ही करेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप लोग क्या करें कि लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।